वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। टुडे आई एम एट सांता क्रूज ईस्ट वकोला एंड आज मैं आपको एक न्यू एक्वेरियम शॉप दिखाने वाला हूँ जो हाल ही में खुली है। इस शॉप का नाम है एग्जॉटिक एक्वेटिक्स और ये शॉप न्यूली इनॉग्रेटेड शॉप है। एंड इस शॉप की एक खासियत यह है कि आपको इनके पास बीटा फिश के काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे एंड बीटा फिश के अलावा इनके पास आपको फ्रेश वाटर फिश, एग्जॉटिक फिश, वो सब आपको इनके पास मिल जाएंगे। एंड इनकी आप शॉप देख सकते हो, काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज करके इन्होंने फिश टैंक सेटअप्स रखे हैं। देन बीटा फिश के लिए एक अलग सा सेक्शन इन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो इस वक्त हमारे साथ है एग्जॉटिक एक्वेटिक्स के ओनर्स मिस्टर फारूक भाई ऑन द लेफ्ट साइड एंड मिस्टर साहिल भाई ऑन द राइट साइड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू फॉर योर न्यू शॉप। सेकेंडली थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर शॉप। एंड थर्डली आफ्टर वॉचिंग योर बीटा कलेक्शन आई मस्ट से योर शॉप इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बीटा लवर्स, द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग बीटास बट दे डोंट गेट टू वॉच ऑप्शंस इन बीटा फिश। शुरू करने से पहले आपके शॉप का एड्रेस और आपके शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई शॉप। माई प्लेजर। हमारा शॉप का एड्रेस एक्चुअली ये बेस है सांता क्रूज ईस्ट में, शॉप नंबर वन। हमारा शॉप का नंबर है वकोला ईस्ट में, वकोला मस्जिद के नज़दीक में है। आप कभी आ सकते हैं यहाँ पर, न्यूली ओपन शॉप किया हुआ है। आपके शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर? जी, मेरा नंबर है, मेरा नाम फारूक शेख है। मेरा नंबर है 9870942605। एनी टाइम यू कैन कॉल मी और कभी भी आपको कुछ लेना है ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑल राइट। एंड माय नेम इज़ साहिल, सो एनीथिंग एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9820192727। ओके। सो वी बेसिकली आर मोस्टली एम्फसाइजिंग ऑन फाइटर फिशेज बिकॉज वॉट रियली हैपन्स इज people love to keep fighters but they don't have proper knowledge and they are not guided properly in a way like you should keep fighters in a particular way, in a particular size of a tank, what are the natural medications, what is the proper food that is required for fighters. So that is what is lacking as of now in the market. So what we thought is we will start with fighters and keep other fish varieties as well, like arwanas, discus, flowerons and all, which we're going to show in the later part of the video. So we mainly focus on fighters and even accordingly do it like tetra, barb, other varieties as well. So maybe we'll focus on fighters initially, sure. Then we can help you with other variety fishes as sure. well. Farooq bhai or Sahil bhai, before proceeding, ek baat kehna chahunga. जितना मज़ा मुझे शॉप की वीडियोस बनाने में आता है या जितना मुझे अच्छा लगता है फिश शॉप में जाके वीडियोस बनाना, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ये जानकर जब मुझे ये पता चलता है कि जो शॉप के ओनर है या जो सेलर है, पहले वो हॉबीस्ट है और उसके बाद में वो सेलर है। क्योंकि बींग एक्वेरियम फिश हॉबीस्ट, मुझे ये अच्छा लगता है कि वो सेलर जो है पहले गाइडेंस करेगा, जो भी वो फिश सेल करेगा उसके बाद में लोगों को वो फिश सेल करेगा। बिकॉज़ ये चीज़ एक आज के डेट में बहुत ज़रूरी है हमारी इंडिया में हॉबी बढ़ने के लिए। लोगों को पहले उसकी जानकारी रखनी मिलनी चाहिए, फिर बाद में फिश रखनी चाहिए ताकि ये हॉबी और बढ़े। इन शॉर्ट में आपके स्टोर के बारे में क्या बताना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम पीटा फिशेस? जी दोस्तों, बेसिकली आप देखिए शॉप को हमारा, पहले तो मैं बता दूँ कि ये शॉप हमने वकोला में खोला है, न्यू शॉप है और एक ये फिश जैसा कोई शॉप नहीं है। मतलब एक आपको कंप्लीट बुटीक टाइप में मिलेगा, आपको क्लीन शॉप, प्रॉपर हाइजीन तरीके से हमने रखा हुआ है, प्रॉपर डिस्प्ले टैंक रखा हुआ है, टैंक को प्रॉपर साइफन किया जाता है, मच्छी को अच्छी क्वालिटी में रखा जाता है वहाँ पर। तो आप नॉर्मल फिश शॉप आप देखोगे जहाँ पर कुछ पानी वगैरह होगा, गंदगी होगी, लेकिन हम आपको इस क्वालिटी का शॉप आपको इस बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हाइजीन सैनिटाइज करके और फिश को क्लीन टैंक, जैसे आप देख सकते हैं हवाना वगैरह, तो हम उसको क्लीन तरीके से रखते हैं और वो ब्यूटीफुल तरीके से रखते हैं कि जो भी कस्टमर आए उसको फिशेज क्लीन और अच्छी क्वालिटी की दिखे। ओके, सो विथ योर परमिशन कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स कवरिंग ऑल योर फिशेज? श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, प्लीज गो अहेड विद इट। श्योर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जॉटिक एक्वेटिक्स में आपको बीटा के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो कॉमन बीटास आपने देखे रहेंगे, इस बार हम आपको इनके शॉप में कुछ ऐसे बीटास दिखाएंगे
जो बहुत अनकॉमन है, जो इजीली देखने को मिलते नहीं है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे इनके इस बीटा फिश स्टॉक में। सो हम देख रहे हैं सबसे पहली वाली खूबसूरत बीटा फिश और हमारे साथ है साहिल भाई। क्या बताना चाहोगे भाई, क्या नाम है इसका? एक्चुअली ये एक है गोल्डन ड्रैगन हाफ मून। हाफ मून इन द सेंस जब उसका क्लॉडल फिन जो होता है, जो पीछे का फिन होता है, इट हैज अ 180 डिग्री स्पैन। ओके, जैसे आप देखोगे इसका जो पीछे का फिन है, इट हैज अ 180 डिग्री स्पैन। ओके, दैट डिफाइंस अ हाफ मून फिश। ऑलराइट, अ फाइटर व्हिच इज अ हाफ मून, लाइक इट इज सेड फुल मून इज 360 डिग्री। जी जी, दिस इज हाफ ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड 180, सो इट इज अ हाफ मून फाइटर फिश। ओके, इट्स अ गोल्डन ड्रैगन। इसका कलर फुल गोल्डन रहता है। ओके, एज यू सी जनरली येलो आता है, देन ऑरेंज भी आता है, बट ये स्पेसिफिकली गोल्डन है। ये जो अभी कवर हो रहा है, दैट इज अ गोल्डन ड्रैगन। ओके, गोल्डन ड्रैगन मतलब उसके व्हाइट स्केल्स रहते हैं एंड फिन्स वगैरह जो रहते हैं, दैट इज गोल्डन इन कलर। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा गोल्डन कलेक्शन है, गोल्डन सीरीज का कलेक्शन है फिलहाल हमारे शॉप में। जी जी, गोल्डन ड्रैगन मिलेगा आपको, फुल गोल्ड मिल जाएगा। ओके, तो गोल्डन सीरीज पूरी अभी फिलहाल अवेलेबल है शॉप पे अभी। भाई जितने भी मतलब बीटास मिलते हैं उसमें गोल्ड ये कलर बहुत कम देखने को मिलता है हमको। एग्जैक्टली, क्या होता है पता है, गोल्डन जो कलेक्शन होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। अच्छा, तो जनरली शॉपकीपर्स लाने थोड़ा हिचकिचाते हैं, लाइक बिका नहीं बिका, इट डिपेंड्स। जी जी, सो इस बार हम लोगों ने काफ़ी बार पहले भी मंगाया हुआ है कलेक्शन के हिसाब से, एंड जनरली स्टॉक का रिक्वायरमेंट भी रहता है गोल्डन का। Okay. क्या गोल्डन चाहिए, गोल्डन चाहिए भी बोलती है। जी जी, तो मतलब इस बार ज़्यादा गोल्डन मंगा लेते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो इस बार गोल्डन का स्टॉक थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है हम लोगों ने। ओके, और इसकी हम फिन्स देख सकते हैं, एकदम पूरी तरह से इसने स्प्रेड कर चुकी है ये। सो साहिल भाई एक बात पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई भी जो बीटा फिश खरीदता है, जो भी एक्वेरियम हॉबिस्ट रहेगा, बीटा फिश खरीदने के बाद जनरली एक दो महीने तक टिक जाती है, उसके बाद उनके फिन्स जो है वो कटने लगते हैं, छोटे छोटे होने लगते हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो बीटा फिश बायर्स, बीटा फिश कीपर्स हमारे इंडिया में फेस करते हैं। इसके ऊपर एक शॉर्ट में आप कुछ हमें बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? फिन्स का जो इशू होता है, दैट इज कॉल्ड फिन रॉटिंग। जी, वो जनरली होता है वाटर पैरामीटर्स चेंज होने की वजह से, बिकॉज देयर इज नथिंग, कुछ और चीज नहीं है जो फाइटर के फिन्स को डैमेज कर सकती है अदर देन वाटर। तो अगर वाटर कंडीशन बराबर नहीं है आपके, तो वाटर प्रॉब्लम होगा, जिससे कोई ना कोई डिजीज आने चालू हो जाएगी फिशेस को। तो उसके लिए आप जनरली एक आलमंड लीफ, जो बादाम का सूखा हुआ पत्ता आता है, ओके, उसका एक पीस, जैसे आप देखोगे सारे टैंक्स में डाला हुआ है। जी जी जी, तो वो एक एक छोटा छोटा पीस आप टैंक्स में डालोगे, ओके, तो उससे वाटर का कलर थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा येलोइश टिंट आएगा। जी जी, वो अपना टैनिंस रिलीज करता है, दैट गिव्स देम अ गुड एनवायरमेंट, और यू कैन से अ गुड पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर देम टू स्टे। ओके, जिससे उनको हेल्दी फिश रहते हैं एंड उनको जल्दी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है फिशेस। अच्छा, को भाई ये वाली फिश मैं देख रहा हूँ कब से एकदम अपने जो फिन से फ्लेयर कर रही है और काफी एक्टिवनेस दर्शा रही है फिश टैंक में। ये वाली कौन सी फिश है? ये एक्चुअली एक है हाफ मून फिश, व्हिच इज कॉल्ड अ ब्लैक मिलानो। ओके, ब्लैक मिलानो इन द सेंस इस पे ब्लू रेज रहते हैं एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी हैज ब्लू स्पॉट्स ऑन इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लैक मिलानो। ओके, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट, इट इज अ ड्रैगन वैरायटी। ड्रैगन वैरायटी, इट हैज पिंक इन इट, अ पिंक ब्लू ड्रैगन यू कैन से। ओके, इसकी ड्रैगन इज सेड व्हेन द स्केल्स आर विजिबल। ओके, लाइक इन मेनी अदर फिशेस द स्केल्स आर नॉट विजिबल, इट हैज प्लेन बॉडी ऑन इट, राइट, एंड सम ऑफ द फिशेस दे हैव ड्रैगन स्केल्स ऑन इट। ओके, सो दोज आर कंसिडर्ड एज ड्रैगन्स, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इफ यू सी, इट्स अ रोज टेल मस्टर्ड गैस। अगली खूबसूरत बीटा। तो साहिल भाई अभी तक हमने कितने बीटा फिश कवर किए हैं? अभी तक मेरे हिसाब से अपने 4-5 वैरायटीज शो कर चुके ऑलरेडी। अच्छा, बट स्टॉक में वी हैव अराउंड 200 टू 500 फाइटर्स एट अ टाइम। क्या होता है, जनरली वी डू मोस्ट ऑफ देम एज होलसेल पार्ट में भी चले जाता है। अच्छा, सो फॉर अस एट द शॉप एट अ टाइम 200 फाइटर्स आपको कभी भी मिल जाएंगे। ओके, सो इस वैरायटी के बारे में क्या बोलोगे आप? ये एक्चुअली एक ब्लू फैंसी है। अच्छा, इसमें ब्लैक का टेंट रहता है ज्यादा, एज यू शुड, ब्लैक मिलानो होता है उसमें ब्लैक ज्यादा रहता है। ओके, इसमें ब्लू ज्यादा है, सो दिस इज कंसीडर्ड एज अ ब्लू फैंसी। ओके, एंड इसके यहाँ पे आप देखोगे दिस अनदर गोल्डन वन, जैसे हमने बताया था गोल्डन का कलेक्शन इस बार थोड़ा ज्यादा आया हुआ है। जी जी जी, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इज अ सुपर रेड, वेरी ब्यूटीफुल रेड इन कलर। या इट इज फुली रेड इन कलर। ये सब हाफ मून वैरायटीज ही है।
आई थिंक सो बीटा जो फिश बाई करते हैं उनको, कुछ लोगों को बीटा के कलर्स पसंद होते हैं, किसको रेड चाहिए होता है, येलो चाहिए होता है या ब्लू चाहिए होता है, एंड वराइटीज में किसी को हाफ मून चाहिए होता है, किसी को ब्लैक आर्ट चाहिए होता है. तो आई मस्ट से कि आपके पास जो इतना ज़्यादा स्टॉक है उसमें से जो बीटा फिश लवर्स है अगर आपके शॉप में विजिट करेंगे तो उनको एक ही जगह पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे बीटा फिश की. नेक्स्ट बीटा फिश है जो काफ़ी हलचल कर रही है एंड अपनी एक्टिवनेस को दर्शा रही है फिश टैंक में. ये भली भाई कौन सी फिश है? ये रेड बटरफ्लाई है. अच्छा? बटरफ्लाई को ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे उसका एक बॉर्डर होता है वाइट कलर का. जी जी. एंड द रेस्ट ऑफ द फिश का बॉडी कलर इज वन, लाइक ब्लू बटरफ्लाई होता है, रेड बटरफ्लाई है, ब्लैक बटरफ्लाई होता है. तो जिसका एक बॉर्डर रिम रहती है वाइट कलर की, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बटरफ्लाई वराइटी. जैसे आप उसके बाजू में देखोगे, ये देखोगे एक रेड ड्रैगन है. जैसे मैंने बताया था स्केल्स विजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्रैगन वैरायटी. जी जी. दिस इज अ रेड ड्रैगन. ओके. इसके बॉडी पे थोड़ा हल्का ब्लू शेड है एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इज अ ब्लू फैंसी. ब्लू फैंसी. यस. इसमें ब्लू एंड वाइट मिक्स रहता है. ओके. ये जो फर्स्ट वाली फिश हमने देखी एंड जो थर्ड वाली फिश हमने देखी, ये चीज इनमें मतलब हम देख सकते हैं कि इनका जो फिन्स का भी पैटर्न है, मतलब एंड में फिशेस के एजेस में, फिन्स के एजेस में व्हाइट कलर का, वाइट कलर ज़्यादा है. तो इस चीज़ से मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर बीटास ये इनको अलग से मतलब स्टैंड कर देती है. ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगती है बीटास में, क्योंकि इनके चाहता कि एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्शन. क्या होता है जनरली आप सबको जैसे पता है वाइट गोल्ड, वाइट तो मिलता है बहुत कम आता है, गोल्डन हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया. These are the rare varieties. So, इस बार हमने सोचा था let's get some of the rare varieties so that जो hobbies है, retailers है, उनको थोड़ा बेचने के लिए अच्छा पड़े, because normally red color और blue color तो सभी जगह मिल ही जाती है. सही बात है. तो इस बार हमने सोचा था थोड़ा additional collection, थोड़ा exotic varieties लेके आएंगे तो hobbies को एंड सबको थोड़ा मतलब आसानी पड़ती है checkout करने के लिए. right. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो around 200 fighters are फिलहाल अवेलेबल है. yes. Here is the next beta fish and इसकी जो साहिल भाई मैं फिन्स देख रहा हूँ ये ग्लो कर रही है. इसका जो कलरेशन है फिन्स का और बॉडी पैटर्न का भी जो कलरेशन हम लोग देख सकते हैं ग्लो कर रहा है. ये वाली कौन सी टाइप है? ये एक्चुअली नियॉन ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं. जैसे मैंने बताया ब्लू एज वाइट एज रहता है उसमें. जी जी. एंड ये जनरली नॉर्मल ब्लू रॉयल ब्लू में आती है. दिस इज अ नियॉन ब्लू कलर. ओके. इट ग्लोज इन लाइक मतलब नॉर्मल दिस इज वाइट ही लाइट लगा हुआ है इसमें, बट इट इज ग्लोइंग. सो दिस इज अ नियॉन ब्लू. यहाँ पे काफी सारे नियॉन ब्लू के वैरायटीज है अपने पास और भी. तो दिस इज अ नियॉन ब्लू बटरफ्लाई. तो ये है एक्सोटिक एक्वेटिक्स का फ्रेश वाटर फिश टैंक सेक्शन. इसके अंदर आपको कॉमन फ्रेश वाटर फिश मिलेंगे. हमने आपको अभी कुछ खूबसूरत बीटा फिश वैरायटीज दिखाए. अब हम एक एक एक्वेरियम फिश आपको दिखाएंगे और ओनर से जानेंगे उनका नाम. यह है सबसे पहली फिश टैंक और इस वक्त हमारे साथ है फारूक भाई. तो भाई ये वाली फिश टैंक में कौन सी फिश है ये? जी भाई ये सिल्वर अरवाना है. ये 8 या 9 इंच का पीस है. ओके. आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसके फिन्स क्वालिटी, इसकी आइज क्वालिटी. ओके. इसका कलर्स देख सकते हैं. जी जी. और भी वैरायटी आती है हमारे पास. अभी ये एक पीस बचा है, बाकी और वैरायटीज आने वाली है. नेक्स्ट फिश वैरायटी यहाँ पे काफ़ी प्लीजिंग कलर्स है इनके. कौन सी फिश वैरायटी है ये? डिस्कस है भाई. डिस्कस मेलन. मेलन डिस्कस. जी. Okay. अभी थोड़ा स्ट्रेस में इसका, लेकिन कलर ब्यूटीफुल है इसका. ओके. Okay. अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में, अभी न्यूली स्टॉक आया है ना. क्या साइज है इनकी, कितने इंच का? हार्डली 2.5 से 3 इंच का साइज दिख रहा है. ओके. Okay. आप क्वालिटी देख सकते हैं और इसके फिन्स कोई डैमेज नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है. जी. डिस्कस के लिए आप कौन सा फिश फूड प्रेफर करेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो नॉर्मली हम लोग तो अभी ये डिस्कस को हिकारी ही डालते हैं. अच्छा. उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. वाइब्रा वाइट्स डालते हो आप? जी जी, वो भी डालते हैं. ओके. ठीक है. फूड जैसा आप यूज़ करोगे ना क्वालिटी का, आपको फिश का कलर उतना अच्छा दिखने लगेगा. सही बात है. नेक्स्ट फिश टैंक में है लवली लुकिंग फिशेस. इसके अंदर भाई देख रहा हूँ मैं 2 से 3 वैरायटी की फिशेस है. कौन सी कौन सी, एक के बाद एक बताएंगे आप? ये आप जैसे देख रहे हैं इसमें मिल्की कोई है, बड़ा साइज का 3-4 इंच का पीस है. और नॉर्मली मिल्की कोई जो सा पैर आप रखोगे तो बड़े टैंक में उसको बड़ा सेटअप लगता है. और आप जैसे देख रहे हैं गोल्ड फिश ओरेंडा है हमारे पास, छोटे गोल्ड फिश है, तो इसको एक आप 1.5 से 2 फीट के टैंक में रख सकते हैं. ओके. नॉर्मली नेक्स्ट फिशेस हम देख रहे हैं, इनकी आकार कुछ अलग सी है. इनका क्या नाम है भाई? जी एक्चुअली ये ब्लैक गोस्ट है. ब्लैक गोस्ट. हाँ. अच्छा. आप देखोगे थोड़ी अजीब वगैरह फिश दिखती है, लेकिन
खूबसूरत है जी जी जी, कुछ हटके है जी, कुछ अलग ही चीज है मतलब जी. इसके हॉबीस्ट भी अलग होते हैं जी जी. और बाकायदा वो लोग आके स्पेसिफिकली पूछते जी कि ब्लैक गोस्ट आपके पास है या. और नॉर्मली पब्लिक जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो 3 इंच के तकरीबन मांगते हैं. अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार पीसेज हमारे पास पड़े हुए हैं जी जी. अगली फिश टैंक में अगली फिश वैरायटी, तो फारूक भाई इसके अंदर क्या फिशेस है? अच्छा भाई, आप देख सकते हैं सिल्वर शार्क है. सिल्वर शार्क, हाँ, ये थोड़ी शाइनी फिश होती है. अच्छा, मतलब उसका कलर थोड़ा ग्लो होता है, आप जैसे नोटिस कर रहे हो वीडियो में. जी 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 जी, ये थोड़ा सा ग्लो होता है, तो ये मतलब इसका ग्लोनेस ही इसकी क्वालिटी है भाई जी जी. ये फिश के बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इनके डोर्सल फिन, एनल फिन, कॉडल फिन के एजेस पे ब्लैक कलर होता है, तो वो चीज़ की वजह से और उठ के दिखते हैं. एग्जैक्टली, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना जी जी, तो उसकी क्वालिटी वहीं से उठकर दिखती है. सिल्वर के साथ में ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है जी. तो इनका बिहेवियर कैसा होता है भाई? जी, ये एक्चुअली होती है सेमी एग्रेसिव फिश. अच्छा, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहती है और नॉर्मल भी नहीं रहती है, तो सेमी. इसके साथ में आप नॉर्मल ये डॉलर्स रख सकते हो जी जी. मीडियम साइज़ का कोई रख सकते हो, मीडियम साइज़ की. ओके, जो सेमी एग्रेसिव फिशेस है जी जी. आप इसके साथ में रख सकते हैं. ओके जी. नाउ वी आर वॉचिंग द नेक्स्ट फिश वराइटीज. इसके अंदर भाई देख रहा हूँ मैं एक वराइटी है, क्या नाम है इसका? जी, जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो है जी जी, वो मार्बल एंजल बोलते हैं इसको. ओके, ये भी अच्छी क्वालिटी होती है जी जी. और सेकेंडली आप जो देख रहे हैं जी, ये डायमंड वाले हैं, डायमंड. ओके, और आप जैसे देखोगे एंजल के भी एक अलग शौकीन होते हैं, अलग हॉबीज होते हैं जी जी. तो एंजल को नॉर्मली सेपरेट टैंक में रखा जाए या तो डिस्कस के साथ में रखा जाए जी जी, तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि वो दोनों लड़ेंगे नहीं. अच्छा, अगर आप कोई दूसरी फिश, नॉर्मली कैसे हॉबीज लोग आते हैं पूछते हैं कि हमको गोल्ड फिश के साथ में रख सकते हैं या नहीं रख सकते जी जी, तो नॉर्मली गोल्ड फिश के साथ में एंजल रखना नहीं चाहिए. ओके, क्योंकि एंजल, भले गोल्ड फिश बड़ी साइज़ के हो, एंजल छोटी साइज़ के, एंजल गोल्ड फिश को डैमेज कर देते हैं. ओके, तो हमारा सजेशन यही है, आप एंजल को सेपरेटली रखें या नॉर्मल वही साइज की जो डिस्कस के साथ में रखी है. ओके, ये अगला फिश टैंक, और इसके अंदर भाई कौन से फिश है? ये एक्चुअली ऑस्कर्स है. ओके, फायर ऑस्कर्स, राइट, फायर ऑस्कर्स है जी जी. इसकी आप एक्चुअली थोड़ी सी डल, इसका कलर एक्चुअली ब्लैक होती है, आप नोटिस करोगे ना जी जी, रेड वाली और ये फायर तो थोड़ी सी डार्केस्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा पानी चेंजेस हुआ है ना. ओके, इसलिए थोड़ी सी डल है. ओके, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव फिशेस होती है. ओके, आपको इसको सिंगल टैंक में ही रखना चाहिए. ओके, और नॉर्मली इसको आप देखोगे तो ये तकरीबन 9 से 10 इंच तक के बड़ी होती है जी जी, और इसको नॉर्मली लाइफ को ठीक लाना पड़ेगा ज़्यादातर. ओके जी, और फिश टैंक मेट्स क्या रहेंगे इनके? जी, फिश टैंक एग्रेसिव भी होनी चाहिए फिश टैंक में जी जी जी. हाँ, इनको एक्चुअली सिंगल रखे तो वो बेहतर है, उनके साथ में ज़्यादा फिश नहीं रख सकते जी जी, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होती है, नॉर्मली खा लेगी, उसके फिन डैमेज करना ही है उसको. अभी क्या साइज के एट प्रेजेंट? ये नॉर्मली ये 2.5 से 3 इंच के दिख रहे हैं मुझे. ओके, देन नेक्स्ट फिश टैंक है यहाँ पे, इसके अंदर कौन से फिश है? ये है कोई, कॉमन कोई है. ये अभी से कॉमन कोई, ये अलग अलग छोटे मोटे बड़े साइज के भी है इसके अंदर. हाँ, ये नॉर्मल फिश है, आप इसको एक बड़े 3 फीट के टैंक में रख सकते हैं जी जी. तो कोइस में भी अगर किसी को ह्यूज कोइस चाहिए रहेंगे, जापानीज कोइस चाहिए रहेंगे, तो क्या आप अरेंज करा के दे सकते हो उन्हें? डेफिनेटली, इसमें कैसा है अभी कोइस के साइजेस अलग डिफरेंट डिफरेंट है, किसी को 6 इंचेस में चाहिए, किसी को 12 इंचेस तक की कोइस आती है जी. उसमें कलर वैरायटी डिफरेंट, रेड होती है, वाइट एंड रेड रहती है, बहुत जापानीज टाइप में होती है जी. तो आपको डेफिनेटली अगर इसका जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा हम अरेंज करवा के दे देंगे. राइट, नेक्स्ट फिश टैंक इसके साइड वाली है, इसके अंदर कौन से फिशेस है? इसमें भाई आप देखिए, जैसे ये डॉट्स वाली दिख रही है ना जी जी, जिसमें टेल पर डॉट्स वगैरह है, ये गुरामीज है. ओके, ये नॉर्मल फिश है जी जी, फ्रेश वाटर की. और इस ये फिश की एक खासियत है कि इसको विदाउट ऑक्सीजन भी आप रख सकते हैं. अच्छा, मतलब जो आपने पीछे ऑक्सीजन लगा है वो नहीं लगा है तो भी चलेगा? जी नहीं, एक्चुअली मेरे टैंक में ऑक्सीजन लगा हुआ था ना, तो हमने रख दिया इसके अंदर. नॉर्मली जैसे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कस्टमर्स आते हैं, बिना ऑक्सीजन वाली फिश चाहिए जी जी जी, तो आप उनको ये रिफर कर सकते हैं. मतलब बिना जो पीछे जो चल रहा है वो एरिएशन है, वैसा एरिएशन अगर जो लोग घर पे लेके जाते हैं फिशेस जी, उन्होंने बिना ऐसा एरिएशन के इनको रखा तो भी ये रह सकती है जी जी, डेफिनेटली. ओके, ये फिश आप बिना ऑक्सीजन रखो, बिना एरिएशन के रखो, कोई इशू नहीं आएगा. उसके साथ ये वाली वैरायटी जो झुंड में दिख रही है पीछे जी, आपको जो सिल्वर जैसी दिख रही है, इसकी रेड टेल जिसमें दिख रही है ना, वो टिन फॉइल है. ओके, ये 3 इंच का, ऑलमोस्ट 3 इंच दिख रही है. ओके, थोड़ी छोटी मोटी है. ओके, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की है, जैसे कि आपने सिल्वर शार्क देखा था जी जी, तो उसके सिमिलर क्वालिटी दिखती है, लेकिन ये एग्रेसिव इतनी नहीं रहती है. और जो टैंक के ऊपर चिपक गई है वो वाली कौन सी फिशेस है?
जैसे ये एक्चुअली देखिए ये सका फिश है, नॉर्मली टैंक्स क्लीन्स वगैरह करने के लिए नॉर्मली पीपल रखते हैं। अच्छा, अभी ये थोड़े बड़े साइजेस के है, इसमें छोटे साइजेस के भी आते हैं, 2 inches के, 1.5 inches के या 5 inches के। ये एक्चुअली आप देखोगे नोटिस करोगे तो ये 5 inch की सका है, जो नॉर्मली बड़ी फिशेस है, जैसे फ्लोरन बड़ा साइज का है तो आप फ्लोरन के टाइम में ये रख सकते हैं। जी जी, और इसकी इसके कलर्स भी आप नोटिस कर सकते हो कितने डॉटेड में अच्छे लग रहे हैं। जी, यह है नेक्स्ट फिश वैरायटी और आप इसके बॉडी के ऊपर पैटर्न देख सकते हो एंड इसका मुंह का जो आकार है एंड इसके मुंह के सामने जो आप बबल्स देख सकते हो, थोड़ी सी अलग फिश है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिशेस। क्या नाम है भाई इस फिश का? जी आप देख सकते हैं ये 4 inch का फिश है, क्लेरिस कैट फिश बोलते हैं इसको। जी जी, लाइक अ कैट फिश जो होती है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट कलर में आप जैसे नोटिस करोगे हल्का सा पिंकिश और डॉटेड्स में ब्लैक है, इसकी खूबसूरती यही है। जी जी, नॉर्मली ये आप देखो ये टैंक के बॉटम में ही तीरते रहेगी। जी जी जी, और ये थोड़ी काम रहेगी, कभी थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। जी जी, ये फिश की ये क्वालिटी है, आप जैसे नोटिस कर रहे हो जैसे अचानक से सो जाती है और अचानक से भागना चालू कर देती है। जी जी जी, तो ये फिश की ये क्वालिटी है भाई। और हम देख सकते हैं डोर्सल फिन जो है सीधा बॉडी के हेड के बाद जो शुरू होती है सीधा टेल तक जा पहुंचती है। जी जी हाँ, आप नोटिस करोगे हेड पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जी, और बीच में पूरा पिंकिश टाइप में और बीच में डॉटेड जैसा दिख रहे हैं। जी करेक्ट। ये नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर भाई देख रहा हूँ मुझे 3 से 4 वराइटीज दिखाई दे रही है, कौन सी वाली बताना चाहेंगे एक के बाद एक? जी अभी ये आप देख रहे हैं ये 3 inch के डॉलर्स है। अच्छा, जो ये वाले हैं जी, सिल्वर वाले जी, जो थोड़े से एग्रेसिव जैसे दिख रहे हैं ना। जी जी, रेड रेड में बॉटम दिख रहा है, ये एक्चुअली डॉलर्स है। ओके, थोड़े एग्रेसिव फिशेस रहते हैं, सेमी टाइप में रहते हैं। और आप छोटा सा देखिए अब ये फ्लोरन का इंपोर्टेड बेबीज है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का रेड ड्रैगन टाइप में। ओके ठीक है, ये सब इम्पोर्टेड, ये एक ही बचा हुआ है इम्पोर्टेड क्वालिटी का है। जी जी, और बाकी तो ये बाजू से दूसरी आप कैट फिश देख सकते हो जंप मार कर इधर पर आ गई है। ओह, जंप मार के इस टैंक में आ गई, दे आर वेरी एग्रेसिव, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, और ये वाली एक बड़ी सी शार्क है सिल्वर। ओके, नॉर्मल शार्क, नॉर्मल शार्क, कॉमन शार्क, कॉमन शार्क। ये है नेक्स्ट फिश वैरायटी, तो इसके अंदर भाई कौन सी फिश है? जैसा कि आप ये टैंक में देख रहे हैं ये रोजी बाब बोलते हैं इसको। रोजी बाब? जी जी, रोजी बाब इसलिए क्योंकि इसका हल्का सा बॉटम में देखो आप येलोनेस और रेडनेस दिखेगा। जी जी, और एक टेल पे उसकी डॉट्स वगैरह दिखेगा। जी जी जी, एक्चुअली छोटी टेट्रा टाइप में वैरायटी है, मतलब टेट्रा से थोड़ी बड़ी रहती है। इसको लाइक अ बॉल वगैरह में आप रखोगे ना छोटे से टाइम में, 8 inch by 10 inch के टाइम में 2 fish या 4 fish डाल करके, तो इसका कलर एक्चुअली इसकी खासियत है। जी जी, इसमें येलो और रेड का कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है ना, और हर एक रोजी बाब के हम टेल फिन के शुरू में देख सकते हैं एक ब्लैक स्पॉट है भाई। करेक्ट करेक्ट, हाँ आप नोटिस कर सकते हैं इसकी हल्की टेल के पास एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम, एक्चुअली वो ज्यादा रहता है, किसी किसी में कम दिख रहा है आपको। जी, और नीचे के टैंक हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ जी, आप ये जैसा देख सकते हैं ये एक्चुअली एंजल, प्लैटिनम एंजल के बेबीज हैं। ओके, थोड़ा से आप नोटिस कर सकते हो अलग अलग थोड़े साइज में डिफरेंट डिफरेंट है। जी जी जी, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इनकी खासियत मैं देख सकता हूँ हर एक एंजल की बॉडी शाइन कर रही है। जी, इसलिए जी, इनका जी, नाम प्लैटिनम पड़ा है। एग्जैक्टली, आप नोटिस करोगे ये बहुत शाइनिंग है, आप जैसे इसके फिन्स वगैरह देखो, इसकी बॉडी देखो कैसे ग्लो कर रही है। जी जी जी, तो इसलिए इसको प्लैटिनम खासियत से बोलते हैं। और ये वाला नज़ारा हम देख सकते हैं सारे एकदम टैंक के ऊपर आ चुके हैं, जी शाइन कर रही है। हाँ, शाइन भी कर रहे हैं, काफी एक्टिव से आप जैसे नोटिस करोगे आप देखिए। राइट, दे आर वेरी एक्टिव। यस, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक स्ट्रिप डॉटेस में दिख रहे हैं ना। जी जी, ये ब्लू एंजल्स हैं। ओके, और इसमें भी 3-4 पीस रखे हुए आई थिंक सो। राइट, या इस टैंक में है अगली स्मॉल साइज फिश वैरायटी, ये वाली कौन सी है भाई? जी आप जैसे नोटिस कर रहे हैं ये तो नॉर्मल मॉलीज है, जिसमें अलग अलग कलर की, ऑरेंज कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लैक, जेड ब्लैक कलर की। जी जी, और आप एक नोटिस करोगे 2 या 3 पीसेस पड़े हुए मुझे हमारे पास रखे हुए, ये मून टेल मॉली बोलते हैं इसको। मून टेल मॉली, हाँ, थोड़ी रेयर रहती है, लेकिन इसकी मून आप टेल दफेगे ना, ये हाफ मून टाइप में इसकी टेल दिखेगी। जी जी, एक्चुअली थोड़ी मॉली से डिफरेंट लगती है, मतलब इसकी क्वालिटी वैसी है। ओके, उसकी खूबसूरती वैसी है एक्चुअली। यहाँ पे देख रहा हूँ झुंड में काफी सारे फिशेस हैं, एक्चुअली थोड़े बड़े साइज के फीडर्स हैं। अच्छा, जो नॉर्मली अवानस को, फ्लावरन को आप खिलाते हैं, फीड करते हैं। ओके, तो ये थोड़े से बड़े साइज के, इसमें छोटे साइज के, बड़े साइज के अलग अलग आते हैं। ओके, ये बहुत सारे आप खिला सकते हो उनको। अब हम आपको दिखा रहे फ्लावरॉन्स, आपको एक्सोटिक एक्वेटिक्स में फ्लावरॉन की स्टॉक भी मिलेंगी देखने को, इनके पास अलग अलग फ्लावरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वाला फ्लावरॉन हम ये कवर कर रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो क्या नाम है भाई, क्या वैरायटी का फ्लावर होने जी? एक्चुअली ये है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, हाँ जी, ये 4 inch से
साढ़े तीन से चार इंच का साइज का है। अच्छा, तो काफी अच्छा हेड है और काफी अच्छा कलर है इसके अंदर। और ऊपर सेम वराइटी है, रेड ड्रैगन है, थोड़ा इसका शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, हेड इसका आप नोटिस कर सकते हो, थोड़ा सा एंगल चेंज है इसका। जी जी, एट प्रेजेंट क्या साइज का है ये? लगभग चार इंच का साइज दिख रहा है, चार से पाँच इंच का। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड फ्लावरॉन जो यहाँ पे है। ये इंटरेस्टिंग फ्लावरॉन है। अच्छा, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, ये भी रेड ड्रैगन है। जी जी, आप इसकी टेल देखोगे ना, ये नॉर्मली हार्ट शेप टाइप में दिख रही है। जी 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 जी, जिसकी जो इसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। जी, जो इसकी खासियत बढ़ा देता है। और एक चीज मैं आपको, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है तो उसको एज अ टोकन ऑफ लव लव आप देख सकते हैं, दे सकते हो किसी, आपकी गर्लफ्रेंड या किसी को भी दे सकते हो। जी जी, ये आपकी चॉइस है। जी, ये थोड़ा डिफरेंट रेड टाइप ऑफ, इजीली देखने को नहीं मिलती है ऐसी टेल। जी, आप नोटिस, हाँ, आपको मिलेगी नहीं काफी टाइम से। और ये है आखिरी फ्लावरॉन, चौथा फ्लावरॉन। जी, ये भी सेम वैरायटी, हमारे पास 25 से 30 पीसेस थे। अच्छा, तो सेल आउट हो गए। ओके, ये ऑलमोस्ट 5 पीसेस बचे हुए हमारे पास। यहाँ पे एक रेयर वैरायटी हम देख रहे हैं, क्या नाम है भाई इसका? भाई ये चना, जो जनरली लोकल कहते हैं, स्नेक हेड वैरायटी है ये। ओके, इट इज अ बेबी स्नेक हेड, अराउंड 2 इंचेस का है। ओके, ये मॉन्स्टर फिशेज में काउंट होता है, अभी फिलहाल तो ये काफ़ी छोटा है। इसके कुछ आई गेस 10 टू 12 पीसेज अवेलेबल है अपने पास। अच्छा, ये कितना बड़ा होता है साइज में? ये अराउंड मेरे को लगता है चार फीट तो होता ही है मेरे ख्याल से, ज्यादा मुझे पता है। एंड सिर्फ एग्रेसिव फिशेस के साथ रहता है ये? सिर्फ मॉन्स्टर फिशेस के साथ रहता है। ओके, अब इसके तो फिलहाल छोटा है, इसलिए गोरामी वगैरह के साथ रहला है। जी जी, बट जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इट कैन बी ओनली कैप्ट विद मॉन्स्टर फिशेस। ओके, और इनको बड़ा टैंक लगता है। सो यहाँ पे एक्सोटिक एक्वेटिक्स में एक खूबसूरत डिस्प्ले रैक इन्होंने बनाई है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बीटा के सेटअप्स बनाए हैं। हम क्लोज जाके देखेंगे इन सेटअप्स को। तो भाई, कौन से सेटअप से, क्या सेटअप से, इसके अंदर क्या आपने सबस्ट्रेट यूज़ किया है, क्या प्लांट्स है, क्या बोलोगे? ये एक्चुअली नॉर्मली रिवर सैंड यूज होता है, बट इसमें भी यूजिंग गोल्डन सैंड। ओके, क्योंकि क्या होता है, रिवर सैंड से ज़्यादा क्लाउडीनेस होता है। जी जी, तो ये नॉर्मल गोल्डन सैंड जो आती है, okay, 30-40 रुपीज़ केजी के हिसाब से वो यूज़ किया हुआ है। एंड दीज प्लांट्स, ये जो लगा हुआ है, दे डोंट नीड CO2 एंड ऑल। ओके, ये एकदम लोटेक प्लांट्स है। ओके, आप इसको फ्लोट कर सकते हो, और इफ़ यू वॉन्ट टू प्लांट इट समवेयर इन द, प्लांट कर दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोट करोगे तो भी मरेगी नहीं जल्दी, और कोई स्पेसिफिक CO2 सिलेंडर वगैरह आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। और भाई, मैंने सुना है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने सुना है कि प्लांटेड टैंक्स में अगर हम बीटा को रखेंगे, देखा भी है, तो बीटा की कलर्स जो और ब्राइट निखर के दिखते हैं, इज दैट ट्रू? एग्जैक्टली, क्या होता है पता है, व्हेन एनी ऑफ द फिश और एनी पेट, दे गेट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो दे फील हैप्पी। एंड फाइटर्स का, व्हेन दे आर हैप्पी एंड व्हेन दे आर द गुड हेल्थ एंड ऑल, इनका कलर्स हमेशा ब्राइट रहता है। लाइक एज यू सी इन दिस ओवर, जैसा प्लांटेड सेटअप्स किया हुआ है, इसका कलर थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट रहेगा, मतलब जनरल फाइटर्स से, बिकॉज क्या होता है, दे गेट अ नेचुरल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक प्लांट्स हो गया, सैंड हो गया। एंड इसमें भी वी हैव एडेड आलमंड लीफ, मतलब बादाम का जो पत्ता रहता है, वो ऐड किया हुआ है। सो बड़े साइज के टैंक इज, दिस इज एन 8 इंच बाय 8 इंच बाय 10 इंच का साइज का टैंक है, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में, विच इज जनरली प्रेफर्ड एक नॉर्मल फाइटर फिश के लिए। ओके, वो जो रखा हुआ टैंक है, दोज़ आर जस्ट फॉर सेल पर्पज, वो 2-3 दिन के लिए रहता है फाइटर हमारे पास, इसलिए हम उसको छोटे टैंक में रखते हैं। राइट, बट एज अ हॉबी फॉर समथिंग, आई वुड प्रेफर दिस साइज ऑफ अ टैंक इज द बेस्ट फॉर यू। ये फाइटर्स में आप प्लांटेशन भी कर सकते हो और फिल्टर भी सेट हो जाएगा इसके अंदर। ये जो है एक मस्टर्ड गैस है, जैसा आपने पहले देखा हुआ, एग्जैक्ट जो येलो एंड ब्लू टिंट रहता है उसमें, दैट इज कॉल्ड अ मस्टर्ड गैस। ओके, सो ये पूरा एंटायर सेटअप अवेलेबल है फॉर सेल? यस, ये एंटायर सेटअप अवेलेबल है सेल के लिए, प्लांट्स, सैंड, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, एंड विद दैट वी कैन गिव अ हैंग ऑन लाइट एंड अ फिल्टर एज वेल। ओके, ये है ड्राई सेक्शन एक्सोटिक एक्वेटिक्स का। इसके अंदर आपको फिश फूड से लेके जो भी एक्वेरियम प्रोडक्ट्स है, एक्वेरियम नेसेसिटीज़ है या एक्वेरियम नीड्स है, वो सब आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। हम साहिल भाई से जानेंगे क्या क्या इसके अंदर है। इसके अंदर आपको हर ब्रांड का फूड मिल जाएगा। अभी फिलहाल हिकारी वगैरह आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जी जी, बट आपको नॉर्मल फीड, लाइक जो 20-30 रुपीज से स्टार्ट होता है, 2000 रुपीज फॉर अ पैकेट। ओके, जैसे हिकारी हो गया, टेट्रा वराइटीज, टेट्रा हो गया, अजू हो गया, चेंग मिक्स हो गया फ्लावरॉन के लिए, हम्पी हेड है, ग्रैंड सुमो है, नरवाना स्टिक्स आते हैं, टर्टल फूड्स है, सब मिल जाएगी आपको, सब वराइटीज के फ्लेक्स एंड एवरीथिंग। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको सेरामिक रिंग्स मिल जाएंगे, जो फिल्टर मीडिया होता है, जनरली टॉप फिल्टर्स में वगैरह में यूज होता है, एक्टिवेटेड कार्बन मिल जाएगा आपको, एंड देन वी हैव सम हीटर्स एंड सम सबमर्सिबल लाइट्स जो होता है,
जो टैंक के अंदर फिट होते हैं पूरा सबमर्ज होने के बाद में भी दे एमिट लाइट. ओके, तो वो टाइप की लाइट्स है. सम फ्लावर ऑन फूड अभी तो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है जी जी, बट सम अवेलेबिलिटी है फ्लावर ऑन फूड की भी. ओके, एंड नॉर्मली जो व्हाइट लिक्विड होता है, ब्लू लिक्विड, जनरल लोकल फिशेस के लिए जो यूज होता है जी जी, वो सब आपको मिल जाएगा. सो फिश फूड के ड्राई सेक्शन के बाद ये वाला सेक्शन है एक्सोटिक एक्वेटिक्स में जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है पेट फूड के लिए, पेट सप्लाईज के लिए. तो साहिल भाई इस सेक्शन में क्या क्या मिलेगा? इस सेक्शन में बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन पेट फूड्स लाइक ग्रेवी हो गया एंड देन ड्राई आइटम है. जैसे आप देखोगे दीज आर अ चीप ब्रांड पियो पेट जो होता है. ओके, पीपल यूज टू फीड द स्ट्रे डॉग्स, द स्ट्रे कैट जो होते हैं जी जी. ये जैसे 10 रुपीज का पैकेट है, आपने खोला और फीड कर दिया. ओके, तो स्पेसिफिकली स्ट्रे के लिए प्योर पेट्स हो गया. देन विस्किस की ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ ग्रेवीज अवेलेबल रहेगी यहाँ पे. ओके, यू कैन गेट इट इंडिविजुअल और द होल पैकेट एज वेल. ओके, सम चिकन का यहाँ पे है, एडल्ट का है, पेडिग्री का है, मियो का भी है, ग्रेवी सेक्शन है ये पूरा. ओके, उसके साथ देयर आर सम डॉग यू कैन से प्ले आइटम्स एज वेल जी, डॉग्स के है, कैट्स के है. एंड उसके साथ दिस अबव इज अ ड्राई सेक्शन फॉर कैट्स. दीज आर ऑल 400 to 1.2 kg का. यहाँ पे रॉयल कैनिन का है, पर्शियन के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड फूड है. ये सब फिलहाल स्मॉल पैकेट्स है. जो बड़े पैकेट्स है इट इज पैकेट इन अ गोडाउन. व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड ऑन ऑर्डर वी कैन अरेंज इट द सेम डे. ऑलराइट, सो हमारे साथ है अभी साहिल भाई के फादर. हेलो अंकल, कैसे हो आप? फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड. तो अंकल, जब साहिल भाई और फारूक भाई नहीं रहेंगे शॉप में तो आप मोस्टली ऑल द टाइम आप रहते हो राइट शॉप में? तो मान लीजिए कोई शॉप में आना चाहता है एंड साहिल भाई का साहिल भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, सो दे कैन कांटेक्ट यू राइट शॉप में आने से पहले. आपका एक बार नाम और नंबर बता दीजिए हमें. मेरा नाम असलम भाई है, नंबर है 9870515397. तो साहिल भाई और फारूक भाई, काफ़ी मज़ा आया मुझे आपके शॉप में विजिट करके एंड आपकी वैरायटीज़ कवर करके, स्पेशली आपकी बीटास देख के एंड जिस तरह से वो फ्लेयर कर रहे थे, अपना खूबसूरत नज़ारा दे रहे थे, वो देख के काफ़ी मज़ा आया मुझको. लास्ट बार एक आखिरी बार एक पूछना चाहूँगा कि आपके शॉप की टाइमिंग्स क्या है? शॉप की टाइमिंग्स भी ओपन है 10 o'clock सुबह, रात से फिलहाल तो 9 o'clock तक रहते हैं हम लोग. मे बी आफ्टर लॉकडाउन जैसे एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अपडेट we'll keep the shop open till late whatever time it is permissible. Okay, as of now it is available till 9 o'clock. So hamare viewers jo hai across india hai, all over india se dekhte hai. मान लीजिए किसी कोई व्यूवर हमारा आउट ऑफ मुंबई है या आउट ऑफ महाराष्ट्र है और उसे आपकी फिश पसंद आई या आपकी किसी फिश में वो इंटरेस्टेड है, अगर वो लेना चाहता है तो आपकी डिलीवरी क्राइटेरिया क्या होगी? डिलीवरी के लिए एज जहाँ भी तेल फैसिलिटीज अवेलेबल है वी डिलीवर इट ऑल ओवर इंडिया एज ऑफ नाउ. डिलीवरी के लिए मिनिमम ऑर्डर शुड बी फॉर 3,000 rupees एंड फाइटर्स में इट शुड बी मिनिमम 30 pieces ईच, मे बी डिपेंडिंग ऑन द होलसेल प्राइस, बट फाइटर्स डिपेंड ऑन क्वान्टिटी. मिनिमम 30 pieces ऑफ फाइटर शुड बी द क्राइटेरिया फॉर फाइटर अवेलेबिलिटी. वो हिसाब से वी कैन डिलीवर टू, वी जनरली डू डिलीवर टू दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, गोवा, मेजर पार्ट ऑफ द सिटी, वेर एवर टेन फैसिलिटी इज अवेलेबल. इन केस इफ इट इज ऑन अर्जेंट बेसिस वी कैन डिलीवर टू फ्लाइट एज वेल, मतलब वाया फ्लाइट. जितना डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया कैसे होता है, फ्लाइट से इट बिकम्स एक्सपेंसिव, बट इफ द पर्सन इज रेडी टू पे इफ इट इज ऑन इमीडिएट बेसिस वी डिलीवर इट वाया फ्लाइट एज वेल. ओके, so thank you so much to both of you and thank you once again for inviting me and I wish you all the best for your future, for your shop. Thank you so much. We wish you the same. Thanks for coming. जी जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ. थैंक यू सो मच एज ए इंसेप्शन और जितने भी व्यूअर्स है इनके, आप हमारे शॉप पर आइए, विजिट कीजिए और बेसिकली पूरा वीडियो देखिए जी. इसमें क्या होगा, आप आधा देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी. आप कम्प्लीट वीडियो देखिए, आपके कुछ डाउट्स है तो उसको क्लियर कीजिए, उसका जवाब हम देंगे. ठीक है जी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. So this was today's video about the Exotic Aquatics Aquarium Fish Shop that is located at Santa Cruz East, Wakola. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या इनकी कोई फिशेस आपको पसंद आती है तो आपको साहिल भाई का, फारूक भाई का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप इस शॉप में विजिट कर सकते हो. आपको इस शॉप में काफ़ी सारे बेटा फिश के वराइटीज़ मिलेंगे जो आप चूज़ कर सकते हो. सो अगर ये वीडियो को देख के मज़ा आया रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू इट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून एज़ द इंसेप्शंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.